किस्सा द लोनली घोस्ट में इरफान खान को निर्देशित करने वाले अनूप सिंह ने दिवंगत अभिनेता के 54वें जन्मदिन के सम्मान में इरफान डायलॉग्स विद द विंड की घोषणा की है। सिंह का कहना है कि यह पुस्तक इरफान के जीवन और रचनात्मकता का उत्सव है। जबरदस्त के बावजूद उदासी का जन्म हुआ था। इरफान की पत्नी सुतापा सिकदर ने कहा कि किताब सबसे अच्छा जन्मदिन का उपहार है जो वो उन्हें दे सकती थी। अनूप की पुस्तक हार्दिक और गीतात्मक है। यह मेरे साथ इतनी अच्छी तरह से जुड़ी कि मैं अनूप और इरफान को बातचीत करते हुए देख सकता था। शुभकामनाएं, उसने कहा। अमिताभ बच्चन पीकू में अभिनेता के सह कलाकार ने प्रस्तावना लिखी। मिस्टर खान जोश तीव्रता की जिम्मेदारी की खामोश धार्मिकता उनकी मूक धार्मिकता की वापटू आंखें इरफान खान के दिमाग में एक ऐसे अभिनेता के रूप में आता है जिसकी उपस्थिति मात्र बता सकती है। खंड प्रस्तावना में कॉपकॉइन द्वारा प्रकाशित पुस्तक इसकी वेबसाइट पर प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस में इरफान के साथ काम करने वाले सिंह ने कहा, यह किताब अपार दुख से विकसित हुई है। ऐसे अद्वितीय व्यक्ति और अभिनेता के साथ जानने और काम करने का रोमांच याद करने और लिखने में आया। यह पुस्तक इस शानदार व्यक्ति मित्र और कलाकार को एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने हमें आज के मानव होने के अर्थ के बारे में बताया। इन्हें घोरे दादान और चौथी कूट के निर्देशक गुरविंदर सिंह ने पुस्तक का कवर खींचा। एक प्रकाशक के नोट के अनुसार, आपसी युद्ध अनिश्चितता और गलत कदमों के माध्यम से एक निर्देशक अभिनेता की बातचीत पर एक आंतरिक नजर